नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह राठौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कार्बोक्सी मिथाइल आई ड्रॉप के बारे में। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो मेरे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जानकारी पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप के बारे में। ये मेरे हाथ में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यानी कि रिफ्रेश्ड ईयर नामक जो आई ड्रॉप है वो मेरे हाथ में है। ये एलगरन फार्मा जो है वो बनाती है। इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये 0.5% के अंदर आता है। इसके कंपोजिशन की बात करें, इसमें 5% कार्बोक्सी मिथाइल सॉल्यूशन है और इसमें 0.5% एज अ प्रिजर्वेटिव कोई कंपोनेंट मिलाया गया है। ये एलगरन जो फार्मा है वो बनाती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की वर्किंग के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता क्या है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एक आर्टिफिशियल आंसू होता है। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं वो प्राकृतिक आंसू होते हैं, वो जिस प्रकार से काम करते हैं ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज उसी प्रकार से काम करता है। अगर मान लो हमारे आंखों में किसी प्रकार से आंसू नहीं आते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो सूख जाएंगी, उनके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी और हमें जो आंखें के अंदर होने वाली जलन है वो बढ़ जाएगी। तो अगर हमारी आंखें सूख जाती हैं या किसी वजह से आंखों के अंदर आंसू आना बंद हो जाते हैं तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का उपयोग करने की डॉक्टर सलाह देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आंखें हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल आंसू बन जाते हैं और हमारे जो आंखों में होने वाली बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या फिर किसी वजह से वायरस अफेक्ट ना पड़े, बाहर के बैक्टीरिया या किसी कोई अन्य जो संक्रमण है वो हमारी आंखों तक ना पहुंच सके और आंखें हमारी सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का मुख्य काम होता है हमारी जो ड्राई आई डिजीज है उससे प्रोटेक्ट करना। इसका काम एज अ लुब्रिकेंट होता है, यानी जब हमारी आंखें तेज धूप या तेज हवा से ड्राई हो जाती है तो ये एक एज अ लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारी आंखें हैं वो ज्यादा ड्राई नहीं रहती, उनमें नमी रहती है, जिसकी वजह से हमारी आंखों के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन पनप नहीं पाता। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का उपयोग डॉक्टर किन किन कारणों में करने की सलाह देते हैं। जब हम ज्यादा समय तक लैपटॉप, टीवी और मोबाइल्स की स्क्रीन के ऊपर अपना वक्त गुजारते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों के अंदर सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, हमारी आंखें जलन होने लग जाती है, हमारी आंखों में थकान पैदा होने लग जाती है, तब डॉक्टर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो आई ड्रॉप है उसका उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसका उपयोग तब भी करने की सलाह देते हैं जब हमें तेज हवा से या हम कहीं बाइक पे जा रहे हैं और हमारी आंखों में तेज हवा के कारण सूखापन आने लग जाता है या फिर बार बार आंसू आ जाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें लाल हो जाने लग जाती हैं या फिर आंखों में जलन पैदा हो जाने लग जाती है, तो हमें डॉक्टर इस आई ड्रॉप का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसका उपयोग जब हमारी आंखों में तेज धूप सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, तेज धूप हमारी आंखों में बहुत ज्यादा लगने लग जाती है या फिर हम एसी में बैठे रहते हैं और एसी की हवा ऐसी लगती है कि बहुत ठंडी ठंडी आंखों में हवा जा रही है और उसकी वजह से आंखें हमारी ड्राई हो जाती हैं, तब भी डॉक्टर इसे करने की या फिर यूज करने की सलाह देते हैं। इसका उपयोग जब कोई बेल्डर या फिर बिल्डिंग करने वाला कारीगर बेल्डिंग करता है और उसकी रोशनी हमारे आंखों में या उनकी आंखों में लगती है, जिसके कारण उनकी आंखों में एकदम से लाल हो जाती है या फिर उन्हें जलन होने लग जाती है, तब भी डॉक्टर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप का उपयोग करने की सलाह देते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। तो जनरली जो इस आई ड्रॉप के साइड इफेक्ट देखे गए हैं वो है थकान महसूस होने लग जाना, आंखों की पलकें आंखें भारी हो जाने लग जाना, आंखों में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाना, आंखों की रेडनेस बढ़ जाना। अगर ऐसा होता है तो आप इसे तुरंत प्रभाव से रोककर अपने आई डॉक्टर के पास जाकर इसकी सलाह परामर्श के बाद ही इस आई ड्रॉप का आगे उपयोग करिए। अब जानते हैं दोस्तों इसके डोजेस के बारे में। तो जनरली जो इसके डोजेस देखे गए हैं वो 3 से 4 बार आप 2-2 बूंद आंखों में आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं इसके ब्रांड के नाम से कि अलग अलग कौन से ब्रांड किसी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का बेटर रिजल्ट दे सके, तो ब्रांड्स के नाम में पहला जो आता है वो है रिफ्रेस्ट ईयर, ये एलगरन जो फार्मा है वो बनाती है। दूसरा है एक्स्ट्रा लव जो माइक्रो फार्मा बनाती है। तीसरा है इको टीयर जो एल्केम फार्मा बनाती है। चौथा है ऑप्टीमैक्स, ये भी एल्केम फार्मा बनाती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आसानी से इन ब्रांड को खरीदकर आप इसका बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। आजकल के समय में ज्यादातर लोग टीवी, मोबाइल और लैपटॉप पे अपना समय बिताते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं उनके ऊपर स्क्रीन का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारी आंखें ड्राई या फिर जलन पैदा होने लग जाती है।
ज्यादातर इसकी वजह से ही लोग या डॉक्टर ज्यादातर इस आई ड्रॉप को यूज करने की सलाह देते हैं। तो आप इसे तुरंत प्रभाव से कम कर दीजिए या फिर उसका जो समय है वो कम से कम यूज करिए, जिसकी वजह से आपकी आंखें हैं वो सुरक्षित रह सके और आपका जो आंखों का विजन है वो भी लास्ट तक या फिर लॉन्ग रह सके। अगर आपको ये मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग कार्बोक्सी मिथाइल आई ड्रॉप के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरी वीडियो के माध्यम से जान सके और इसका लाभ ले सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।